अबे जिस स्टूपा में हम गए थे ना वो है देखो, थोड़ा नजर आ रहा है वहां में, कितना बढ़िया है ना। हम जा रहे हैं यहाँ सीधा, वो है जिमीथंग, बहुत दूर है। यहाँ बैठ के अभी हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं लंच, लंच ब्रो पिकनिक करते हैं। आ जा। ये है मिर्चा सब्जी, इसमें चीज डाला है और मिर्चा डाला है। ये है जबरदस्त पूरी या रोटी, ठीक है। ये है बटर टी, क्या जबरदस्त है, क्या जबरदस्त। ये मेरा बच्चा खेल रहा है, हमें दीदी है, भाई है, बुढ़ी है, एक जबरदस्त पिकनिक, और पीछे में गाड़ी है। लोकेशन थोड़ा कुछ ऐसे दिखता है, देखो यहाँ से लगभग सफ़र अभी और 2 घंटा है हमें, जिमीथंग जाना है। वहाँ पे बहुत प्रेशियस स्टूपा है, वहाँ पे जाके पिलग्रिमेज करते हैं, कुछ राउंड लगाते हैं, है ना, फिर उसके लौट के आते हैं, फिर तवांग चलते हैं, ठीक है। खाने का कार्यक्रम हुआ समाप्त, अब हम निकलते हैं यहाँ से जिमीथंग के लिए। ये भी है एक छोटा सा झरना, वहाँ जाने का रास्ता में, जिमीथंग जाने का रास्ता में, यहाँ देखो था गहरा है। मौसम खास अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक ही है, घूमने के लायक है। यदि आप ऐसे पहाड़ में ड्राइव करते हो तो चप्पल पहन के चलने से फ़ायदा है, क्योंकि कहाँ आपको कीचड़ में निकालना पड़े पता नहीं ना। रास्ता देखो कितना खराब है। देखो नदी, आप लोगों को लोकेशन दिखाने के लिए मैं स्पेशली गाइड रुका हूँ। देखो क्या मस्त जगह, वाओ, वहाँ पे नदी नजर आ रहा है आपको, नदी भी देखो। अब यहाँ से जाना है हमें और भी बहुत, ये गांव का नाम है गिस्पू। आगे में ब्लॉक हो गया, इसकी वजह से शायद जिस टूबा में जाने का हम लोग प्लान था शायद वो कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि आगे ब्लॉक है, वहाँ पे पत्थर है, वो रहा छोटा गाड़ी तो नहीं जाएगा, लेकिन बड़ा गाड़ी होता 4x4 होता तो निकल जाता। ट्राई करते हैं थोड़ा वेट करने का और कोशिश करते हैं, साफ हो गया ब्लॉक तो निकलेगा, नहीं हुआ तो वापस चलते हैं यहाँ से। हम लोग आगे पीछे भी 1-2 गाड़ी है, वहाँ पर बड़ा गाड़ी है, वहाँ में छोटा गाड़ी 1-2 वेट कर रहे हैं। जो लोग अरुणाचल में आना चाहते हैं घूमने के लिए, स्पेशली जो लवर हो वाटरफॉल जैसा चीज़ें या फिर नेचर का, आप यहाँ भी आना चाहिए। वेस्ट कमिंग में, तवांग में काफ़ी अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखो झरना है कितना बड़ा बड़ा है। अब झरना को गिनते रहो, हाँ काउंट करते रहो, मैं झरना दिखाने जाऊंगा आपको अरुणाचल में। झरना ना एक से एक भर के मस्त मस्त यार, मज़ा आ गया यार, एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आगे वहाँ क्या कहते हैं, यहाँ आते वक्त रास्ता ब्लॉक था ना, साफ करने के पूरा ये बच्चियाँ उड़ गया, पूरा गंदा लग गया। कोई बात नहीं, कभी कभी रास्ता में ऐसे ब्लॉक पड़ जाता है तो आप लोग गाड़ी रुक के देखने के बजाय ना, तमाशा देखने के बजाय जाके मदद करो ताकि रास्ता क्लियर करके जल्दी निकल सकें, राइट। मज़ा है ना, चलो चलते हैं फटक से चलते हैं, और भी आगे बहुत कुछ देखना है। लेट्स गो। वेलकम टू जिमीथंग विलेज प्लस गोंजम छोड़तेन, इस ही स्टूपा की मैं बात कर रहा था। चलिए भाषण का मर्द आगे दिखाओ, बहुत बढ़िया नज़ारा है। मेन गेट ये है, वो है गोरदम छोड़ते हैं जिसकी मैं आपको बात कर रहे थे। चलो अंदर चलो, यही सेम स्टूपा आपको देखने को मिलेगा नेपाल में भी, काठमांडू में जब आप बौद्धा में जाओगे तो, और सेम यहाँ अरुणाचल में भी है, और ऐसे ही सेम आपको देखने को मिलेगा भूटान में भी। और इसका कहावत है कि ये तीनों एक ही समय में बनाया गया है करके, है ना। इनका हिस्ट्री मुझे इतना अच्छा खासा नहीं पता, बस इतना ही पता है कि ये बहुत प्रेशियस है, ठीक है,
एक बुद्धिज्म होने के नाते ये पिलग्रिमेज जगह है हमारे लिए। ऊपर देखो पहाड़ के बीच में वहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बनाया। मेडिटेशन हम अपना लैंग्वेज में कहते हैं थम, मतलब ध्यान करने के लिए, ध्यान अध्ययन करने के लिए। जो लोग अध्ययन करते हैं मठ में रह के वो लोग यहाँ आके करते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल सुकून होता है, शांत होता है ना, तो वहाँ पे आके लोग अध्ययन करते हैं यानी मेडिटेशन करते हैं। ठीक है देखो, और तहसील आई भी हाँ कर, मैंने उनसे कहा नमस्ते, उसने नमस्ते कहा और उसने पूछा कि आप क्या परिक्रमा के लिए आए हैं। मैंने कहा जी हाँ, बल्कि सिर्फ परिक्रमा नहीं कहते इन्हें, कहते हैं पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं मालूम। बच्चे को लेके मैं ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर मम्मी मम्मी कैसे लाए चली लाए चले ग्राउंड दिखाओ घुमा के। फायदा नहीं है, नहीं 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 मत करो, ये बेवकूफ है, ऐसे मत करो। उससे अच्छा गरीब आदमी को दो या तो फिर छुमे चलाओ। गुंजम छोड़ते का हम लोग ने दर्शन कर लिया, बाप बेटी ने हम लोग सब दर्शन करने के लिए आए थे ये गुंजम छोड़ते का। जैसे कि गुंजम छोड़ते मैंने बताया बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही मान्यता है बुद्धिस्ट लोग के लिए। और एक आप बुद्धिस्ट नहीं हो और यहाँ घूमना चाहते हैं ऐसा टूरिस्ट, तो यहाँ पे बहुत सारा ढेर सारा वो है, झरना अच्छा अच्छा है, अच्छा अच्छा पहाड़ है, वादियाँ हैं, है ना, बहुत बढ़िया लगेगा, अच्छा एक एडवेंचर रहेगा आपके लिए। सो मोस्ट वेलकम डियर व्यूवर्स, आप यहाँ विजिट करना आना चाहते हैं तो जो गुंजम छोड़ते हैं उस समय में आना अच्छा रहेगा, जैसे कि जो बुद्धिस्ट का लोसर होता है ना, लोसर के समय। हाँ लोसर के 1 से 15 तक शायद कार्यक्रम वो लुमला में होता होगा, तवांग में होता होगा, उसके बाद 16 से 20, 21, 22 तक यहाँ होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना टीन लगा के रखा हुआ, इसमें सारा इंस्टॉल लगा रहता है और बहुत सारा अलग अलग जगह से टूरिस्ट आते हैं, वो सब यहाँ पे गुर लगा के बैठते हैं यानी टेंट वगैरह लगा के बैठते हैं, कोई पहचानने वाले के रेजिडेंट में रहते हैं। सो आप भी आना चाहते हो उस वक्त आइएगा, यहाँ पे ढेर सारा लोग होगा, अच्छा लगेगा, उन लोग आपको एक्सप्लेन कर पाएगा। ठीक है, मुझे तो इतना खास नहीं पता है, इसका हिस्ट्री भी आपको उन लोग पता है अच्छी तरह से बता सकते हैं। ठीक है, पर मुझे इतना पता है कि ये बहुत प्रेशियस है और ये यहाँ पे भी है, भूटान में भी है और नेपाल में भी है। यू मस्ट विजिट, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ आने का, बस कभी कभी रास्ता थोड़ा ब्लॉक हो जाता है, वो भी खुल जाता है, वहाँ पे काम करने वाला गरीब लोग है, आर्मी लोग है, कोई बहुत लोग है, उन लोग मिल के खोल देता है। ठीक है भाई, गोर्धम छोड़ते ना आया और ये ब्रिज ना आया तो कैसे चलेगा यार, ये ब्रिज में तो आना मांगता ही है। देखो यहाँ का नदी, माय गॉडनेस, ये वीडियो आप देखता है तो बताना कि कैसा लगा ये वीडियो, मेहनत किया यार आप लोग के लिए, मैं इतना दूर आया दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ का नज़ारा और ये गुंजम छोड़ते हैं, ये सब का एक्सपीरियंस आप सबको कैसा लगा, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आप सबको। बाय 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 बाय।